नमस्कार दर्शकों, शुभ संध्या काल में आप सभी का जय गोम रस पे स्वागत है। दर्शकों, समय के साथ साथ जय गोम परिवर्तित हो रहा है और साथ साथ में आज मौसम ने भी करवट बदला है और इस समय मौसम काफी खुशनुमा हो रखा है और साथ साथ में बूंदा बूंदी भी शुरू हो गई है। क्या आज जोरदार बारिश का आगमन होगा? ये सवाल के साथ आज आप सभी के समक्ष हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं। डेली आप सभी के समक्ष हम लोग लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा हो रही कार्रवाई का दृश्य दिखा रहे हैं और लगातार जगहों में परिवर्तन का दृश्य दिखा रहे हैं। और इसी के बीचों बीच आज जयगांव शहर में ठंड बढ़ता हुआ बूंदा बूंदी बारिश गिरना शुरू हो गई है, लेकिन क्या आज हम लोग इस ठंड को वेलकम करने वाली उस बारिश को हम लोग देख पाएंगे? क्या आज सच में आज वेलकम विंटर रेन आज हम लोग जयगांव में क्या होगा? जयगांव कुछ दिनों से काफी बदलाव का सिलसिला से गुजर रही है। कुछ लोग निश्चित रूप से खुश हैं तो कुछ लोग में नाराजगी भी देखी जा रही है। नाराजगी उन लोगों के लिए जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हो, चाहे इलीगल अनऑथराइज पार्किंग को लेकर हो, या फिर अवैध कब्जा एवं एनक्रोचमेंट को लेकर हो। हालांकि आपको बता दें कि जयगांव में एक ऐतिहासिक इस समय बदलाव देखा जा रहा है और आज मौसम भी आज अपना रंग मिजाज बदल रही है। हालांकि इस समय धीरे धीरे लोग अपने अपने विंटर वियर जो है, जो जैकेट वगैरह गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिए हैं और मैं भी कुछ अपने कुछ गर्म कपड़े ब्लेजर्स वगैरह मैं भी अपना निकाल के तैयार हूँ। लगातार आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य दिखाने के लिए और वेदर फोरकास्ट के साथ इस समय हम लोग लाइव जुड़ने के साथ साथ आप सभी को बता दें कि लगातार हम लोगों के पास काफी सारे लोगों के खोए हुए सामान और डॉक्यूमेंट्स पहुंच रहे हैं और कोशिश यही रहती है कि लोगों की जो अमानत है उसे उनके पास वापस पहुंचाया जाए। एक प्रयास हमेशा हम लोग करते रहते हैं और आगे भी जारी रहेगा। हम लोग चलते चलते पैदल चलते चलते हम लोग भूटान गेट के नजदीक इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं और यह वो क्षेत्र है जहां पे आम दिनों में आप सभी को काफी भारी ट्रैफिक जैम की समस्या को देखना पड़ता था, लेकिन इस समय जो है समय परिवर्तन हो चुका है। जयगांव में ट्रैफिक को नियंत्रण पूरी तरह से कर लिया गया है और अब ऐसा लग रहा है कि जयगांव में अब ट्रैफिक की समस्या पुरानी बात हो गई हो। हालांकि बीच बीच में कुछ लंबी वाहनों की कतार लग जाती है क्योंकि भूटान में प्रवेश करने के लिए काफी सारे नियम रहते हैं, चेकिंग वगैरह एक प्रक्रिया रहता है दोनों ही देशों की तरफ से। इस समय इस बूंदा बूंदी बारिश का आनंद लेते हुए मैं आप सभी के समक्ष लाइव हूं। जैसा कि मैं आप सभी को कह रहा था कि लगातार लोगों के जो खोए हुए सामान है, डॉक्यूमेंट्स है, वो हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो बीच बीच में समय निकाल के आप सभी के समक्ष हम लोग उन डॉक्यूमेंट्स एवं खोए हुए सामान, जैसे पर्स हुआ या कभी कभी किसी के
परचेस किया हुआ सामान रहता है, कभी बैग रहता है, तो कभी तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड। काफी बार तो हमारे पड़ोसी मित्र देश भूटान के भी काफी सारे सामान वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, खासकर उनके सिटीजनशिप आईडी कार्ड कुछ लोगों को, सज्जन व्यक्तियों को मिलता रहता है और वो लोग हमारे पास हमारे चैनल के माध्यम से वापस पहुंचाने के लिए एक पहल करते हैं और हम लोग भी उसे आगे जारी रखते हैं। तो अब हम लोग कोशिश यही करेंगे कि डेली एक ऐसा समय रहे जिस समय आप सभी के समक्ष लॉस्ट एंड फाउंड का जानकारी दिया जा सके और किसी का भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स गुम हो तो वो लोग को जानकारी ये मिल पाए। तो हम लोग अब हर एक दिन करीबन दोपहर के समय 12 से 1 बजे के बीच हम लोग समय निकाल कर आप सभी के समक्ष हम लोग लॉस्ट एंड फाउंड का एक श्रृंखला एक शुरू करेंगे ताकि लोग जो हैं उनको यह दिक्कत ना हो कि लॉस्ट एंड फाउंड का जानकारी उन्हें सही समय पे मिल पाए, क्योंकि ऐसा रहता है कि हम लोग सारा दिन किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं और फिर काफी सारा इस तरह के सामान, जो खोया हुआ सामान हम लोग कभी कभार टाइम पे भी हम जानकारी नहीं दे पाते। अभी छोटा सा दुर्घटना होते होते बचा, लोगों को सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। हालांकि मैं भी सड़क पे ही चलता चलता आप सभी के समक्ष लाइव हूँ, लेकिन ध्यान अपना जिम्मेदारी है और लोगों को अपना अपना जिम्मेदारी जरूर निभाना पड़ेगा अपने लिए। जो मैं कह रहा था कि अब से आप सभी के समक्ष हम लोग डेली लॉस्ट एंड फाउंड का एक समय तय करके हम लोग जानकारी पोस्ट करेंगे और सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब 12 से 1 बजे के बीच जब भी हम लोग ये लॉस्ट एंड फाउंड का जानकारी आप सभी के समक्ष दें तो उस विजुअल्स को आप सब कृपया करके शेयर कर दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी उस अमानत को, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस खोए हुए सामान को उनके हकदार, उनके पास वापस पहुंचाया जा सके। काफी बार लॉस्ट एंड फाउंड में ऐसे ऐसे सामान भी रहता है जो काफी क्रूशियल रहता है, काफी इम्पोर्टेंट रहता है और सही समय पे वो मिल जाए तो लोगों के लिए तकलीफें कम हो जाती हैं। और इस समय ये जानकारी देते हुए हम लोग विदा लेंगे और फिर जुड़ेंगे लाइव इंटरेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि रात के समय में आप सभी के समक्ष जुड़ूं और कुछ आप सभी के समक्ष साथ जो है बातें हो, आप सभी के कमेंट्स वगैरह, आप सभी के जो भी सलाह मशवरा है उसके साथ हम लोग बातें करें, वार्तालाप हो और कुछ समस्याओं के ऊपर दृष्टिकोण डाली जाए और वो कार्य भी हम लोग करेंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता होगा कि अब शादी वगैरह का काफी शुभ लगन चल रहा है तो ज्यादातर इवनिंग के टाइम में कहीं ना कहीं निमंत्रण में मैं व्यस्त रहूंगा और काफी सारे कार्यक्रम वगैरह भी होते रहते हैं तो रेगुलर आप सभी के समक्ष शायद मैं ना जुड़ूं, लेकिन कोशिश रहेगी कि हफ्ता में कम से कम एक बार या दो बार जरूर लाइव इंटरेक्शन में आप सभी दर्शकों के साथ जुड़ूं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी और सवाल का जवाब मैं ही देते हुए विदा लूंगा। इस मौसम का आनंद लें, ठंड बढ़ने वाली है, बारिश से ये ठंड को वेलकम करने के लिए, इसे स्वागत करने के लिए शायद आज होगी और इस ठंड से बचे, इस मौसम का आनंद लें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने प्रियजनों का ख्याल रखें, अपना सेहत का ख्याल रखें, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बस यही आशा के साथ इस समय विदा लेना चाहूंगा। फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ूंगा, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।